नमस्कार दोस्तों, सीसी गुरुकुल के लाइव व्याख्यानों में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, नित्य प्रति आपके लिए हम विभिन्न विषयों में व्याख्यान आयोजित करते हैं। गत कुछ महीनों से हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षसम पर, और आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपसे अवगत करें इस विषय को और बताना चाहेंगे। पिछले व्याख्यानों से हम एक्ट 3 पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम एक्ट 3 से संबंधित जितनी भी बातें हैं सीसी गुरुकुल के लाइव लेक्चर के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं। मित्रों, बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और आपके माध्यम से हम नित्य प्रति सीखते हैं और सीखने सिखाने का ये सिलसिला यूँ ही हमेशा बरकरार रहे, इस बात की हम कामना करते हैं। मित्रों, अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है और आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न का हल आपको मिले, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें, हमसे बात करें, अपना प्रश्न पूछें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आइए पुनः स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का, उनके माध्यम से एक्ट तृतीय इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। सुप्रभातम मित्रों, मुद्रा राक्षसम की इस नई कड़ी में हम अपनी चर्चा वहां से आगे ले चलेंगे जहां हमने इससे पूर्व अपनी चर्चा को खत्म की थी। मित्रों, यूँ तो संस्कृत साहित्य के कई नाटक हैं और सारे नाटक अपने अपने वैशिष्ट्यों से परिपूर्ण है, अपने काल, अपने प्रसंग, अपने परिप्रेक्ष्य, अपने संदर्भ और अपने कथ्य की दृष्टि से संस्कृत साहित्य के सारे नाटक अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। लेकिन सविशेष जब जब मुद्रा राक्षसम की चर्चा होती है तो मानो जो हमें एक रोमांच सा उत्पन्न हो जाता है, वह इसलिए कि इनका जो नायक है या इनके जो अन्य चरित्र हैं वे सारे के सारे इस जगत के चरित्र हैं, कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। और तब हम समझ पाते हैं चाणक्य को, हम समझ पाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, हम समझ पाते हैं राक्षस को। मित्रों, जिस तरह तृतीय अंक में कृतक कलह की पूर्व पीठिका के साथ साथ हम अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने पुनः पुनः एक चर्चा की है, वह है चाणक्य के द्वारा प्रवर्तित राजनीति की। चूंकि यह नाटक है इसलिए सैद्धांतिक रूप से यह पकड़ पाना कि चाणक्य की राजनीति का सिद्धांत क्या है, यह बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब संवादों में परस्पर जब दो चरित्र के मध्य संवाद होते हैं तो उन संवादों से हमें ज्ञात होता है कि विशाखदत्तकालीन समाज में, राजतंत्र में किस प्रकार की राजनीति विद्यमान थी। चूंकि स्वयं विशाखदत्त स्वयं ही राजा का बेटा था और राजघराने में इनका पालन पोषण हुआ है, इसलिए एक राजनीतिक निपुणता जो काव्य में होनी चाहिए वो सर्वत्र दृष्टिगत होती है। और उसी कारण से खास करके जो तृतीय अंक है वो बड़ा ही आनंदपूर्ण हो जाता है, एक जिज्ञासा से हम भर उठते हैं कि इसके बाद क्या होगा। हमने इसमें जब विषयों का विश्लेषण किया था तो इस विश्लेषण के अंतर्गत हमने पूरे नाटक को बांटा था और हम जिस विषय की चर्चा कर रहे थे वह था चाणक्य का राजनीतिक चिंतन, या इसे हम राजनीतिक चिंतन कहें। हम उस प्रसंग को लेकर के चलते हैं जब एक प्रकार से चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य पूर्णतया क्रोधाभिभूत हैं दोनों और उनमें एक संवाद चल रहा है, उत्तर प्रत्युत्तर चल रहा है। राजा चंद्रगुप्त मौर्य पुनः पुनः चाणक्य के ऊपर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि आपके रहते राज्य की ये व्यवस्था चरमरा गई और आपने आपके रहते कौमुदी महोत्सव पर प्रतिषेध लगा दिया गया। मूल विषय है जो तात्कालिक कारण है इस विवाद का, वह है कौमुदी महोत्सव पर प्रतिषेध। हमने इसे पूर्व भी यह अच्छी तरह से जाना था कि यह जो कलह है, यह जो विवाद है, यह जो प्रतिवाद है, यह कोई आकस्मिक नहीं है बल्कि पूर्व नियोजित है। इसीलिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाणक्य और राजा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अभिनय कर रहे हैं कृतक कलह का। अर्थात अभिनय शब्द का जैसे ही प्रयोग होता है, यानी दोनों में स्वाभाविक यह प्रतिवाद नहीं है। बात आगे बढ़ती है और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रश्न के उत्तर में चाणक्य एक लेख्य पत्र
मंगवाता है और लेख्य पत्र से तात्पर्य है एक फाइल जिसमें कि चाणक्य के द्वारा नियुक्त जो चंद्रगुप्त के सहयोगी थे वे सारे सहयोगी चंद्रगुप्त मौर्य का साथ छोड़ करके भाग गए हैं और उनका हम नाम ना उल्लेख पाते हैं और सबका जो रेजिग्नेशन लेटर अगर आज के संदर्भ में कहें तो उस फाइल में वह इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ, और सबका एक एक कारण है किन किन कारणों से सारे वहां से भागे हैं। तो उसी की व्याख्या चल रही है, उसी की चर्चा चल रही है कि अमुक अमुक कारणों से अमुक अमुक व्यक्ति जो है, अमुक अमुक जो अधिकारी है, वे वहां से यहां से भाग चुके हैं और मलय केतु का आश्रय उन्होंने ले लिया है। जब ये चर्चा चाणक्य के द्वारा जब राजा उस पत्र को पढ़ता है और राजा को सारी बातों की जानकारी मिलती है, मित्रों मैंने उससे पहले भी एक बात कही थी कि जिस पत्र को पढ़ा जा रहा है उनका एक अंश जो है वह मन ही मन चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ता है, क्योंकि अगर वो उच्च स्वर में उस पत्र को पढ़ता तो उसमें भेद खुल जाता, क्योंकि जेन्युइन कॉज वहां जो लिखा हुआ है उस कॉज के मुताबिक, उस कारण के मुताबिक यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि चंद्रगुप्त के प्रति विद्रोह हो या चंद्रगुप्त का विरोध हो और इस विरोध के कारण सारे अधिकारी भागे हों, बल्कि सारे जो अधिकारी भागे हैं उनको तो भगवाया गया है, उनको चंद्रगुप्त के साथ से चाणक्य ने भगवाया है और मलय केतु में प्लांट किया है। वस्तुतः क्या है कि मलय केतु और राक्षस को ट्रैप करने के लिए, राक्षस के सारे बल, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा को उनको शक्तिहीन करने के लिए इन सबको प्लांट किया गया है और वो चाणक्य की योजना के अंतर्गत है और उन्हीं योजनाओं का विन्यास है उस लेख में, उस पत्र में। तो अगर उनको पब्लिकली पढ़ के सुनाएगा तब तो भेद खुल जाएगा, तब तो कृतक कलह का पूरा आधार ही जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उनको आत्मगतम पढ़वाया जाता है चाणक्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और जब ये सारी की सारी बातें होती है तो पुनः राजा अभिनय करते हुए कहते हैं कि अथ एतेषाम अपराग हेतून विज्ञातुम इच्छामि, अर्थात इनका अपराग, अपराग से तात्पर्य है विकर्षण, विकर्षण से तात्पर्य है कि राजा के प्रति इनका विरोध क्यों हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछ बैठता है चाणक्य से कि आप मुझे यह बताएं कि ये लोग क्यों हमें छोड़ करके भाग गए, इन भागे जाने का, हमारे प्रति विरोध का, हमारे में निष्ठा न होने का मैं कारण जानना चाहता हूं। अब एक एक का वह कारण यहां बताते हैं और उन्हीं कारणों का उल्लेख जो है कहीं ना कहीं एक और राजनीति की बात, राजनीति की चर्चा हमारे सामने लाएंगे। हम पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन भागने वाले हैं और भागने वाले अधिकारी को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चंद्रगुप्त मौर्य के सामने थी। भद्रभट्ट और पुरुषदत्त, ये दोनों अधिकारी हैं जिसमें भद्रभट्ट गजाध्यक्ष है और पुरुषदत्त जो है वह अश्वाध्यक्ष है। इसी तरह डिंगरात और बलदेव गुप्त है। इसी तरह राजसेन है, सेनापति भागुरायण है, मालवराज का बेटा लोहिताक्ष है और क्षत्र गण का जो मुख्य है वह विजय वर्मा है। ये सारे के सारे भाग गए हैं। अब भागे जाने का क्या है कि अब मूल रूप से चाणक्य अपनी सफाई में ये सारी बातें कहता है। मित्रों चूंकि यह कृतक कलह है इसलिए चाणक्य अभी जो भी बात कहेगा उन बातों में सच्चाई नहीं है। चाणक्य के द्वारा दी गई सूचना जो चंद्रगुप्त मौर्य को है वह सत्य नहीं है, अर्थात दूसरे शब्दों में चाणक्य के इस कथन के आधार पर हम मुद्रा राक्षसम की घटनाओं की व्याख्या नहीं करेंगे, ना ही इनके माध्यम से उन उन चरित्रों की हम सच्चाई को जानेंगे, बल्कि केवल और केवल यह विवाद लोगों में जाए कि चाणक्य और चंद्रगुप्त में मतभेद हो गया है, इसीलिए जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर में एक दोषारोपण किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष सुनाने के लिए, लेकिन परोक्ष में ये सारे के सारे अधिकारी बड़े ही नपे तुले शुचि पवित्र और ईमानदार हैं। लेकिन कोई तो कारण बताया जाना है, इसीलिए वो पहला कारण देते हैं कि भद्रभट्ट और पुरुषदत्त क्यों भाग गए। तो सबसे पहला उनके ऊपर कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रेस करते हुए चाणक्य कहता है कि ये दोनों जो थे वे स्त्री और मृगयाशील थे। मित्रों हम आप सभी जानते हैं हमारे यहां
एक शब्द प्रयोग होता है और वह प्रयोग है जिसको हम कहते हैं बुरी आदतें, लत जिसे हम कहते हैं। उन्हीं में से हमारे यहां इसे व्यसन कहा जाता है। संस्कृत में इसके लिए शब्द प्रयोग है व्यसन। और ये जो व्यसन शब्द है इसमें 7 महाव्यसनों की चर्चा की जाती है, जिनमें 2 महाव्यसन हैं, मृगया यानी शिकार करना, ये भी लत है, बुरी आदत है। दूसरे शब्दों में शिकार करना अच्छी बात नहीं है, ये शास्त्रों में उल्लिखित प्राप्त होता है। और स्त्री में आसक्ति, तो ये दोनों उनके ऊपर दोषारोपण किया गया कि ये दोनों ऐसे थे और अपने कार्य में ये असावधान थे, अपने कार्यों के प्रति ये प्रमाद करते थे। दूसरे शब्दों में कि इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी उनका वो ईमानदारी पूर्वक और यथा समय परिपालन नहीं करते थे। इसीलिए चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त मौर्य से कि हमने इनको अधिकार से च्युत कर दिया, अर्थात इनको पद से हटा दिया, बल्कि इनके ऊपर हमने कृपा की कि इनको मृत्यु नहीं दी, अन्यथा ये मौत के अधिकारी थे। और इसी भय से ये लोग भाग करके मलय केतु के पास मिल गए। मित्रों, मैं पुनः कह रहा हूं कि ये जो दोष जो भद्रभट्ट और पुरुषदत्त के ऊपर लगाया गया है, जो चाणक्य के मुख से निकला है, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है सारी बातें। लेकिन लड़ाई करने के लिए कुछ एक बहाना चाहिए, तो ऐसे ऐसे बहाना ये क्रिएट किया जा रहा है। इसी तरह डिंगरात और देवगुप्त हैं, तो ये जो डिंगरात और बलगुप्त हैं इनके ऊपर दोषारोपण किया है कि ये लोभी थे, लोभी यानी धन के लोभी थे, और ये धन के लोभी थे और इन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, तो इनको एक भय उत्पन्न हुआ और इन्होंने यह सोचा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास धन प्राप्त हो रहा है उससे कहीं अधिक धन हमें मलय केतु के पास मिलेगा, और यही सोच करके दोनों भाग गए। उसके बाद राजसेन की चर्चा आती है कि राजसेन को, राजसेन क्यों भागा, तो कहता है कि राजसेन जो था यह स्वजन था चंद्रगुप्त मौर्य का, और स्वजन होने के कारण इनको एक विष, एक भय नहीं था, क्योंकि ये राजा का आप्त था, राजा का नजदीकी था। तो ये कहता है, उनके ऊपर आरोप लगाता है कि आपकी कृपा से इन्होंने प्रभूत धन संग्रह कर लिया था, प्रचुर धन राशि इन्होंने इकट्ठी कर ली थी, और उनको ऐसा लगा कि चूंकि हमने ये धनराशि इकट्ठी कर ली है, तो आज के शब्दों में कहें कि उनके ऊपर छापेमारी हो सकती थी, उनको भय था कि हमारा, हमारे ऊपर कहीं अन्वेषण ना हो जाए हमारे घर के मध्य, इस भय से। और उनको यह भी भय था कि हमने इतने धन इकट्ठे कर लिए कि मे भी वो धन हमारे नष्ट ना हो जाए, इसलिए नष्ट होने के भय से ये यहां से भाग करके मलय केतु का आश्रय इन्होंने ग्रहण कर लिया। इसके बाद एक भागुरायण है। मित्रों, अगर आप पूछें, यद्यपि चर्चा केवल होती है चंद्रगुप्त, चाणक्य, मलय केतु और राक्षस की, और हम लोग भागुरायण को गौण पात्र मानते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट बताऊं कि अगर पूरे नाटकीय परिदृश्य में अगर आप देखें, जिस प्रकार हम कहते हैं कि व्याकरण की भाषा में जब करण का लक्षण किया जाता है कि साधक तमम करणम, तो जो ये साधक तमम करणम शब्द जो है, जो जो सूत्र है, ये पूरी तरह से भागुरायण के ऊपर होता है कि भागुरायण की इतनी विशिष्ट भूमिका है कि मानो कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य की जितनी भी नीतियां हैं वे सारी नीतियां इकट्ठी हो रही है भागुरायण में आकर के, अर्थात उन सारी नीतियों का जो समन्वय है वो भागुरायण से होता है। इसलिए भागुरायण अत्यंत विशिष्ट चरित्र है, यद्यपि संवाद की दृष्टि से, नाटक में उपस्थिति की दृष्टि से ये एक अतिथि कलाकार के रूप में है, गेस्ट जो अपीयरेंस इनका मात्र हम देखते हैं, पुनरपि यह एक महत्वपूर्ण चरित्र है। अस्तु, तो ये भागुरायण है और ये अन्य जो है लोहिताक्ष है, विजय वर्मा आदि है। भागुरायण के ऊपर में कई सारे दोष लगाए गए। भागुरायण के ऊपर में दोष यह लगाया गया कि इन्होंने ही एक तरह से पर्वतेश्वर वाली बात कही थी मलय केतु को, कि पर्वतेश्वर की हत्या जो है वो चंद्रगुप्त चाणक्य ने करवाई है, और यहाँ जो चंदनदास या शकटदास आदि जो विरोधी लोग थे, जो राक्षस के पक्ष के लोग थे, जो राक्षस के सहयोग से, राक्षस के निर्देश से चंद्रगुप्त मौर्य के विरोध में अपनी आवाज उठा रहे थे, इनको यहाँ से भागुरायन सहायता देते थे। तो इस प्रकार मानो भागुरायन इस भय से कि मेरी भी मृत्यु ना हो जाए, मुझे भी ना मरवा दे, वह मलय केतु के साथ यहाँ से भाग जाता है। फिर रहा लोहिताक्ष और विजय वर्मा, तो इनका ये मूल उद्देश्य था कि उनको ऐसा लगता था कि राजा जो है वो राजसेन आदि के प्रति पक्षपाती है, अर्थात वो उनका पक्ष ज्यादा लेता है, और लोहिताक्ष, विजय वर्मा आदि को वो उतना महत्व नहीं देते हैं,
तो राजा का जो पक्षपात था दूसरे के प्रति, दूसरे अधिकारी के प्रति, तो मानो इस भावना से दुर्ग्रस्त होकर के ये दोनों भाग जाते हैं। और चाणक्य कहता है कि राजा चंद्रगुप्त, विश्वृषल, ये जो हैं वस्तुतः इन इनके अर्थात भद्रभट्ट, पुरुषदत्त, डिंगरात, बलगुप्त, राजसेन, लोहिताक्ष, विजय वर्मा और भागुरायन, इतने जो बड़े अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के भागे जाने का यही मूल कारण है और ये आपके सामने समर्पित है। यद्यपि तर्क की दृष्टि से देखें, अगर इसको एनालाइज करें, जो आर्ग्यूमेंट चाणक्य दे रहा है, जो आर्ग्यूमेंट मिथ्या है लेकिन जो दे रहा है, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हो जाएगा कि हाँ, अगर इसी ये जो है नहीं, इनके भागने में वस्तुतः ये स्वयं के स्वयं दोषी हैं, इसमें मंत्री का कोई दोष नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त भी एक कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया राजनीतिज्ञ है और एक श्रेष्ठ राजा है और राजत्व अपने में वह ला रहा है। राजा का प्रश्न आता है कि एवमेतेषु परिज्ञातापराग हेतुषु क्षिप्रमेव कस्मान् न प्रतिविहितमार्येण, अर्थात अगर आपने इन लोगों में ऐसी भावना देखी, अगर आपको लगा कि इनमें इनके ये दोष हैं, तो आपने यथा शीघ्र क्यों नहीं उनको रोकने का प्रयास किया। अर्थात अगर एक मिनट के लिए हम मान लें, एक क्षण के लिए मान लें कि भद्रभट्ट और पुरुषदत्त स्त्री और मृगयाशील स्वभाव का था, तो आपने इमीडिएटली उसको क्यों नहीं पकड़ के दंड दिया, या आपने उसे क्यों नहीं उनके अनुरूप उनके प्रति व्यवहार किया। आप उन्हें कारागार में डाल सकते थे, आप उन्हें जेल में डाल सकते थे, उनकी जगह पर इमीडिएटली किसी दूसरे को आप रख सकते थे, नियुक्ति दे सकते थे। तो इसीलिए राजा का यह प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न है, जैसे राजा एक मंत्री से करता है। मित्रों, बार बार मैंने एक वाक्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और वो वाक्य है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का के चौथे पद्य की प्रथम जो पंक्ति है कि वहां कहते हैं, स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्न सम श्रृणुते स किम प्रभु, अर्थात वह मंत्री मंत्री नहीं जो राजा को सत परामर्श ना दे, और वह राजा राजा नहीं जो मंत्री के सत परामर्श को न सुने। यहां पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जो विवाद के मूल कारणों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें मूल कारण यह निकल कर आता है कि राजा पूछता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, अर्थात मंत्री के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। राजा और मंत्री में एक प्रकार का सामंजस्य नहीं प्रतीत तो हो रहा है इन समस्त विवाद से। यद्यपि यह कृतक कलह है, लेकिन राजनीति में यह क्षम्य है। राजनीति में ऐसी व्यवस्था देखी जाती होगी कि राजा और मंत्री में मेल नहीं होता है, और जब जब राजा और मंत्री में मेल नहीं होता है, तब तब ऐसी जो विपरीत स्थितियां उत्पन्न होती है। लेकिन जब राजा और मंत्री दोनों अनुकूल हों, तो फिर उस राज्य का सर्वथा जो कह सकते हैं विकास होता है। इसीलिए दूसरी पंक्ति कहते हैं भारवी कि परस्परानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेश्वमात्येषु च सर्वसंपद, कि परस्पर अनुकूल रहते हुए ही जो राज्य की समग्र व्यवस्था है वह अनुराग करती है, यानी राजा और मंत्री यदि अनुकूल हो। मित्रों, ध्यान रखना है कि परोक्षतः तो यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सर्वथा एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात चाणक्य कि जो समग्रता है वह चंद्रगुप्त मौर्य में है, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्यत्व है वह चाणक्य में है। इसलिए परोक्षतः इसमें विश्लेषण की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षतः चूंकि ये बात निकल कर आ रही है, तो हम ऐसा कहते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार के कह सकते इस प्रकार की संभावना देखी जाती होगी, जिसके कारण राजा को चाणक्य कृतक कलह का निर्देश देता है। अस्तु, तो जब इन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं इसका प्रतिविधान किया, आपने इसको क्यों नहीं रोका, चाणक्य भी बड़ा अनमना सा असावधानी वाला बिना किसी तर्क के उत्तर देता है, वृषल न पारितम प्रतिविधा, तुम संभव ही नहीं था प्रतिविधान का, नहीं किया जा सकता था प्रतिविधान, अर्थात इनको उनके उनके कार्यों से नहीं रोका जा सकता था।
राजा पूछ बैठता है, और जो प्रश्न पूछा जाता है वो डायरेक्ट चाणक्य के मर्म पर, जिसको कहते हैं प्रभाव छोड़ने वाला, ऐसे प्रश्न किया जाता है। राजा कह बैठता है किम अकौशलात् उत प्रयोजनापेक्षया, किम अकौशलात्। अब देखिए, चाणक्य जैसे व्यक्ति को यदि कोई यह कहे, चाणक्य जैसे महामात्य को यदि कोई यह कहे कि आप में कुशलता नहीं थी प्रतिविधान की, कि आप कोई इसमें अपना पर्पस देख रहे थे। देखिए, अगर किसी को यह कहा जाए कि तुम इसके योग्य नहीं हो, मुंह पर भरी भरी सभा में सबके समक्ष, तो यह मर्मांतक होता है। ध्यान रखेंगे, कदाचित यही कारण था कि चाणक्य ने नंद वंश की सत्ता का विनाश किया था, क्योंकि भरी सभा में चाणक्य ने राजा से प्रश्न पूछ लिया था और राजा के मर्म पर प्रहार किया था। राजा के सामने राजा के कृत्य को कटु सत्य बना करके प्रवर्तित किया था चाणक्य ने, और तब जाकर के नंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था। ये यही बातें हैं कि जब आप डायरेक्ट हिट करते हैं, मर्म पर प्रभाव पड़ता करते हैं, और यहां भी राजा नंद चाणक्य के मर्म पर प्रहार करता है कि मकौशलात्, क्या अकौशल अर्थात अनिपुणता से, अर्थात आप में ये क्षमता नहीं थी, आप में ये सामर्थ्य नहीं था, आप में ये योग्यता नहीं थे, आप कर नहीं सकते थे, इसलिए आपने प्रतिविधान नहीं किया, या कोई आप इसमें प्रयोजन देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अर्थात दोनों प्रश्न जो है, उस प्रश्न का उत्तर जो है वो यही है कि चाणक्य को हिलाने वाला प्रश्न है, चाणक्य के अहम को, जिसको कह सकते हैं ये समाह्वान करने वाला, चुनौती देने वाला, चैलेंज करने वाला ये प्रश्न था। अस्तु, चाणक्य भी देता है। चाणक्य, हम आप सभी जानते हैं कि जब शास्त्रीय दृष्टि से नायकों का विश्लेषण किया जाता है तो चाणक्य को धीरोधत कोटि का नायक माना जाता है। धीरोधत में मतलब यहां पर प्रतिनायकत्व नहीं है, खलनायकत्व नहीं है, बल्कि इनमें एक आत्मश्लाघा होती है। वो पुनः पुनः अपनी अपने कृत्यों की प्रशंसा करते हैं, अपने द्वारा जो प्राप्त सफलता है उन सफलताओं की बार बार वो हमारे सामने चर्चा करते हैं, और उसी कह सकते हैं कि अहं भाव में चाणक्य कह बैठता है कथम अकौशलम भविष्यति। अरे वृषल, तुम ये कह रहे हो, ये अकौशल कैसे होगा, अर्थात मेरे में निपुणता नहीं है, ये बात कहां से संभव है। ध्यान रखेंगे, इसी चाणक्य का स्टेटमेंट है कि एका बुद्धिस्तु मागान मम, सारी की सारी सेनाएं मेरा साथ छोड़ दे, एकमात्र मेरी बुद्धि बनी रहे, मैं सारे जगत को जीतने की क्षमता रखता हूं, यह चाणक्य का वक्तव्य है। मित्रों, और उसी कह सकते हैं कि एरोगेंसी में, उसी एक अहं भाव में चाणक्य कह बैठता है कथम कौशलम भविष्यति। प्रयोजनापेक्षयैव, अगर तुम कह रहे हो, तुमने प्रश्न पूछा है और दो विकल्प दिया है, तो उन दो विकल्पों में से एक विकल्प जो प्रयोजन है, यस, उस प्रयोजन के कारण ही मैंने प्रतिविधान नहीं किया। राजा कह बैठता है, पूछ बैठता है, प्रयोजन मिदानीम श्रोतुम इच्छामि, तो ठीक है, आप बताएं प्रयोजन, मैं आपका जानना चाहता हूं कि आपने किस प्रयोजन से, किस कारण से, किस स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपने इन प्रमुख अधिकारियों को भाग जाने का अवसर दिया। मित्रों, अगर आधुनिक भी राजनीति से देखा जाए तो हमारे भारत वर्ष में भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जो दंड योग्य व्यक्ति थे उनको दंड ना दिया जाकर के वे सारे के सारे परराष्ट्र में आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था देखी जा रही है कि जो अधिकारी या जो महाधनाढ्य राज्य के अनुकूल नहीं होते थे, वे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्य में आश्रय ग्रहण कर लेते थे। झूठ ही सही, कारण झूठ ही हो, मिथ्या ही हो, लेकिन उदाहरण हमारे सामने उपलब्ध हैं कि ये सारे के सारे अपनी जान बचा करके शत्रु पक्ष के राजा के साथ जाकर के मिल बैठता है, एक तरह से अपने जीवन को वहां पर सुरक्षित करता है। अस्तु, चाणक्य का उत्तर आएगा, लेकिन प्रयोजन शब्द जब आता है तो बार बार एक ही प्रश्न उत्पन्न होता है। हम आपने सबने वो मुहावरा अवश्य ही सुना है, कुमारिल भट्ट के द्वारा प्रवर्तित यह मुहावरा है कि प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य के लिए नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। यानी जीवन मात्र के जितने भी कर्तव्य हैं वे कहीं ना कहीं
प्रयोजन से कंट्रोल्ड है, प्रयोजन से ही नियंत्रित है, प्रयोजन के वशीभूत होकर के ही हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अस्तु, चाणक्य कह बैठता है और कहता है कि श्रूयताम अवधार्यताम च, सुने और ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक सुने। अब एक एक पंक्ति को अब देखें, अगर तर्क की दृष्टि से देखें तो राजनीति में किस प्रकार ऐसे चिंतन का प्रतिविधान किया जाता है। चाणक्य कहता है कि इह खलु विरक्ता नाम प्रकृति नाम द्विविधम प्रतिविधानम। राजनीति की सीख जरा समझे हम लोग कि जो ऐसे जो अधिकारी होते हैं या ऐसी जो प्रजा होती है जो विरक्त हो जाती हैं, जिनकी आस्था जिनकी निष्ठा नेतृत्व में नहीं रह जाती है, अगर उनको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाए, अर्थात अगर उनका प्रतिविधान किया जाए, तो वे दो तरीके के प्रतिविधान होते हैं। अर्थात राजनीति में प्रजाओं के जो जो नाराज प्रजा है, जो असंतुष्ट प्रजा है, उनके लिए दो प्रतिविधान है। एक को कहा अनुग्रह, दूसरे को कहते निग्रह। अर्थात अनुग्रह निग्रहश्च, अनुग्रह का मतलब है उनके ऊपर कृपा करके प्रभूत धन संपत्ति उनके दोषों को माफ कर दो आदि, और निग्रह होता है उनको पकड़ करके, उनको अरेस्ट करके या उनको दंड दे करके। तो दो ही प्रकार के प्रतिविधान है राजनीति में, या तो उनको आश्रय दो या नहीं तो उनको भगाओ ना दंड दो। चाणक्य कहता है कि यदि अनुग्रह की बात करें तो कहते हैं अनुग्रह ताव दाक्षि अनुग्रह ताव दाक्षि ताधिकारयो भद्रभट पुरुष दत्तयो पुनरधिकारारूपणमेव, कि अगर उनके ऊपर अनुग्रह करें, यानी जितने भी भाग चुके हैं अधिकारी, अगर उनके ऊपर हम कृपा करें तो उनके ऊपर तो एक ही कृपा होगी ना, कि आक्षिप्त अधिकारयो भद्रभट पुरुष दत्तयो पुनः अधिकारारोपणमेव। अर्थात जिनके ऊपर एलिगेशन है, जो एलिस्ड ऑफिसर हैं, या उनको तो या आप क्या करो कि फिर से उनको वही दायित्व दो, अर्थात जो गजाध्यक्ष हैं या अश्वाध्यक्ष हैं उनको फिर से गजाध्यक्ष बनाओ, फिर से अश्वाध्यक्ष बनाओ, यही उनके ऊपर अनुग्रह हो सकता है, और तो कोई दूसरा अनुग्रह होगा नहीं। और अधिकारश्चतादृशेषु व्यसन योगादन अनभियुक्तेषु पुनरारूप्यमानः सकलमेव राज्यस्य मूलं हस्ति अश्वमवसादयेत्। और अगर ऐसे लोगों को फिर से वही अधिकार दे दिया जाए जिस अधिकार में वो दोषी थे, यानी गजाध्यक्षता में अश्वाध्यक्षता में, अर्थात सेना का एक प्रमुख पक्ष है, अगर पुनः उसको आप आर्मी चीफ बना देते हैं, अगर उनको आप आर्मी ऑफिसर बना देते हैं, तो उनके दोषों के कारण फिर क्या होगा कि उस पर रहते हुए सारे के सारे राज्य का जो मूल है, और वह मूल क्या है, हस्ति और अश्व। यहां मूल से तात्पर्य है कि राज्य की समग्र शक्ति जिस पर आधृत हो, जिस पर आश्रित हो, वही विनष्ट हो जाएगी। अर्थात ये वही बात हो गई कि पुनः आपने उनको अवसर दिया कि अपने जो तुम्हारे दोष हैं उन दोषों को और बढ़ावा दो, यानी व्यसन योगाद अनभियुक्तेषु पुनरारूप्यमानः सकलमेव राज्यस्य मूलं हस्ति अश्वमवसादयेत्। तो मित्रों ये जो एक है, ये बड़ी अच्छे तर्क की बात आई है कि अनुग्रह यदि कर किए उस पर तो हमें ये अनुग्रह करना पड़ेगा। खैर चाणक्य अपने उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता है, सारे प्रश्नों का बड़ा ही सटीक उत्तर देता है। और जो ये डिंगरात बलगुप्त हैं, जरा इनके विषय में भी जाने कि डिंगरात बलगुप्तयो रतिलुब्धयो रतिलुब्धयो सकल राज्य प्रदानेन अपि अपरितुष्यतो अनुग्रह कथम शक्य। और जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में केवल और केवल धन संपत्ति ही इकट्ठा करना है, इसको अगर आप सारा राज्य भी दे देना फिर भी उनकी प्रसन्नता नहीं ली जा सकती। जो लोभी व्यक्ति है, जो लालच है, जो तृष्णा है, वो कभी संतुष्ट होने वाली नहीं होती है। मित्रों अगर हमें आदत लग जाती है पैसे कमाने की, तो हम हर प्रकार से पैसे कमाते रहते हैं और अपने सारे अस्तित्व को गंवा देते हैं। तो जिन व्यक्ति को धन का लोभ होगा, उनको अगर आप सारा राज्य भी दे देना फिर भी उसमें उनका संतोष नहीं होता। इसलिए
ऐसे लोगों पर अनुग्रह कर कैसे किया जा सकता है? अनुग्रह अर्थात दिंगरात और बलगुप्त को पुनः उसके अधिकार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो पुनः पुनः और अधिक और अधिक और अधिक अपने लोभ के कारण वो धन संपत्ति बनाता रहेगा। फिर है राजसेन भागुरायन, और राजसेन भागुरायन योस्तु धन प्रणाश भीतयो कुतः अनुग्रहस्यावकाश। और ये जो भागुरायन है और जो राजसेन है भाई, इनके साथ तो एक ही परेशानी है, और वो ये परेशानी है कि इनके मन में ही ये डर था कि हमारा जो धन है वो विनष्ट हो जाएगा, और चूंकि धन विनष्ट हो जाएगा तो फिर इस पे हम कैसा अनुग्रह करते, किस प्रकार की कृपा करते, क्योंकि ये डरा, इनका डर ही है इस चीज से कि उनके धन विनष्ट हो जाएंगे, और अगर हम उनको अधिकार में डाल देंगे तो वो डर तो बना ही रहेगा, और चूंकि वह डर बना रहेगा इसलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ये नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार का उपकार नहीं किया जा सकता था। फिर रही बात लोहिताक्ष और विजय वर्मा की, ये लोहिताक्ष और जो विजय वर्मा थे इन दोनों की एक ही परेशानी थी, उनकी ये परेशानी ये थी कि ये आपके स्वजन थे, और चूंकि आपके ये स्वजन थे, आपके कृपा पात्र थे, तो पुनः पुनः आपकी कृपा इनके ऊपर देखते हुए ये लोग जलन में थे, ये ज्वलनशील थे, इनमें एक ईर्ष्या, इनमें एक द्वेष था, तो इनको भी अनुग्रह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ना तो आप राजसेन के ऊपर अपनी कृपा का त्याग करते और ना ही इन लोगों के मन से जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वह दूर होता, तो इनके ऊपर भी अनुग्रह नहीं किया जा सकता था। इसलिए कीदृशः अनुग्रह प्रीतिम जनयिष्यति इति परिहृतः पूर्वः पक्षः, अर्थात यही कारण है कि पूर्व पक्ष अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा चाणक्य ने नहीं दिखाई। अब आई बात उत्तरोपि खलु वयम अचिराद अधिगत नंदैश्वर्याः सहुत्थायिनं प्रधान पुरुष वर्म उग्रेण दंडेन पीडयन्तो नंदकुलानुरक्तानां प्रकृतिनां अविश्वस्या एव भवाम इत्यतः परिहृतः। आदि ये इस तरह एक बातें की गई कि अगर ऐसा हम करते, अगर उनको हम निग्रह करते, अगर उनको पकड़ के हम रखते, तो एक प्रकार से प्रजा में एक असंतोष फैलता, प्रजा में एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती, और इसलिए हमने उनको नहीं पकड़ा और उनको हमने जाने दिया। फिर कह रहा है कि तदेवम अनुगृहीतास्मत् पक्षः राक्षसोपदेश प्रवणः महीयसा मृच्छबलेन परिवृतः पितृवधामऋषि पर्वतक पुत्रः मलयकेतुरस्मानभियोक्तुम् उद्यतः सोयम् व्यायामकालः नोत्सवकालः। इसलिए हे चाणक्य, ये व्यायाम का काल है, उत्सव का काल नहीं है, अर्थात हमारे लिए चिंतन का ये समय है, हमारे लिए सोच बैठ करके विमर्श करने का समय है, आगे की योजना बनाने का समय है, न कि उत्सव काल, न ही कोई उत्सव यानी प्रसन्नता पर्व त्योहार मनाने का समय है। इसीलिए दुर्ग संस्कारे प्रारब्धे किम कौमुदी महोत्सवे नीति, इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं कि कौमुदी महोत्सव मनाने का, तो कौमुदी महोत्सव को मनाने से क्या लाभ होता, हमें क्या फायदा हो जाता, और यही कारण है कि मुझे चाणक्य ने कौमुदी महोत्सव पे रोक लगाया, क्योंकि हमारे लिए यह चिंता का विषय है, और जब व्यक्ति चिंतित तो होता है तो चिंता के समय में किसी भी प्रकार का जो उत्सव है वो आनंद देने वाला नहीं होता, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और कौमुदी महोत्सव पर रोक लगाई। एक बड़ा अच्छा, देखिए हमारे लिए मूल जो राजनीति की बात निकल कर आई वो यह है कि किसी भी अधिकारी को दो ही प्रकार से बचाया जा सकता है, किसी भी अधिकारी के ऊपर दो ही प्रकार से शासन किया जा सकता है, या तो उनके ऊपर कृपा करना या उनको दंड देना। तो ये राजनीति की एक बात निकल कर आई, और चूंकि उन अधिकारियों के दोष की चर्चा यहाँ पर आई, और चाणक्य ने बड़ी बखूबी, बड़े ही सही तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को ये उत्तर दिया है, रिप्लाई दिया है। लेकिन इससे चंद्रगुप्त मौर्य की जो जिज्ञासा है वह खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती। राजा भी कहता है आर्य बहु प्रष्टव्य मत्र, आपका अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है, आपसे ढेर सारी बातें मुझे पूछनी है। इस जो ये सारी की सारी घटनाएं घटी है वो केवल भागुरायन या बलगुप्त या राजसेन के उत्तर मात्र से इस व्यवस्था का समाधान नहीं हो जाता, हमें आपसे और ढेर सारी बातें पूछनी है। चाणक्य भी कहता है वृषल विश्रब्धम पृच्छ, मित्र पुनः देखेंगे कि वृषल शब्द है, मैं इस पर बहुत अधिक अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे के पूरे नाटक में
यदि राजा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ने सर्वाधिक किसी एक संबोधन का प्रयोग किया है तो वह है वृषल। और यह वृषल शब्द जो प्रयोग किया जाना है, शुरू से ही एक हमने अपना तर्क लिया है कि यह इंटेंडेड है, इसके पीछे कारण है, और मानो विशाखदत्त ने यही कारण, उन्हीं कारणों के कारण वृषल शब्द का यहां प्रयोग किया है, जिसकी चर्चा पिछले भी हम कर चुके हैं। कहता है वृषल विश्रब्धम पृच्छ, चिंता नहीं है, एकदम धैर्य के साथ शांति पूर्वक पूछो जो पूछना है। और ममादि बहुवाक्येयमत्र, मुझे भी ढेर सारी बातें बतानी है, मुझे भी कई बातें बतानी है, इसलिए आप पूछो और मैं हर बात का आपको जवाब दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य पूछ बैठता है कि सोप्यस्य सर्वस्थानर्थस्य हेतु मलय केतु कस्माद अपक्रामन उपेक्षित। ठीक है, आर्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, आपने बड़ी ही बखूबी से और चतुराई से आपने हमारे उन प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो सारे अनर्थों का जो मूल है मलय केतु, उस मलय केतु की आपने क्यों उपेक्षा कर दी जब वह भाग रहा था? मलय केतु को आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? मलय केतु को आपने क्यों नहीं दंड दिया? मलय केतु को क्यों नहीं आपने कारागार में डाला? कहीं आप मलय केतु से मिले हुए तो नहीं है? मित्रों, यह प्रतीक से अर्थ निकल रहा है, संस्कृत वाक्य में यह प्रयोग नहीं है। अगर पूछा गया कि आपने मलय केतु को क्यों छोड़ दिया, तो प्रश्न बनाने वाले यह प्रश्न कह सकते हैं, कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मलय केतु से चाणक्य मिला हुआ है। अस्तु, चाणक्य जवाब देता है, वृषल अनुपेक्षणे द्वई गति निगृहेतवा प्रतिश्रुतम राज्यार्धम प्रतिपाद्येतवा। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि यदि मलय केतु को पकड़ा जाता, अगर मलय केतु की उपेक्षा नहीं की जाती, तो दो स्थितियां उत्पन्न होती। एक तो यह कि आप उन्हें अरेस्ट करो, और दूसरी यह स्थिति उत्पन्न होती कि यदि आप अरेस्ट नहीं करो तो जो आपने प्रतिज्ञा की थी, आपने जो संधि की थी पर्वतेश्वर के साथ कि राज्य का आधा हिस्सा देंगे, वो राज्य का आधा हिस्सा मलय केतु को देना पड़ता। ये दो स्थितियां उत्पन्न होती। निग्रहे तावत पर्वत को अस्माभिरेव व्यापादित इति कृतज्ञताया स्वहस्तो दत्तः स्यात्। अगर हम मलय केतु को पकड़ लेते तो पूरी प्रजा में, पूरे राज्य में हमारी कृतज्ञता की बात होती, अर्थात और हमारे लिए यह बात फैलती कि हमने ही पर्वतेश्वर को मरवाया है। देखिए, सत्य भी यही है, सत्य यही है कि चाणक्य ने ही पर्वतेश्वर को मरवाया है, लेकिन चाणक्य ने चतुराई से पूरी प्रजा में यह बात फैलवा दी थी कि राक्षस के द्वारा भेजी गई विषकन्या ने पर्वतेश्वर को मारा, इसलिए उसका कौन हुआ हत्यारा? राक्षस हुआ। और अगर ऐसी स्थिति में हम मलय केतु को पकड़ लेते तो यह दोष हमारे ऊपर आता, हम लोगों के ऊपर आता कि हमने पर्वतेश्वर को मरवाया है, इसलिए मानो स्वयं ही, जिसको कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती और अपने ही हाथ से अपने ऊपर कृतज्ञता का जो है वो अपयश हम आरोपित कर लेते। यही रीजन था कि हमने मलय केतु को भाग जाने दिया, मलय केतु को नहीं पकड़ा। फिर कहता है कि यदि प्रतिश्रुत राज्यार्थ प्रतिपादनेपि पर्वतक विनाशः केवलं कृतज्ञता मात्र फलः स्यात् इति मलय केतुरपक्रामन्नुपेक्षितः। मतलब अगर हम उनके राज्य के प्रतिपादन का आधा हिस्सा दे देते तो उससे भी केवल यही फल उत्पन्न होता, पर्वतक विनाश का फल उत्पन्न होता, कृतज्ञता मात्र फलः स्यात्, कि उससे भी यही बात फैलती कि पर्वतक का विनाश हमने ही करवाया। और ये दोनों स्थितियों का आकलन करके, इन दोनों स्थितियों की चर्चा करते हुए, पूरी तरह से विमर्श करते हुए, हमने मलय केतु को भाग जाने दिया और हमने मलय केतु की जान बूझ कर उपेक्षा की। राजा हत्र तावदेवम राक्ष अत्र तावदेवम। अच्छा, तो ठीक है, मेरी मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। अब प्रश्न पूछ बैठता है कि राक्षस पुनर्यहैव वर्तमान आर्येनोपेक्षित इत्यत्र कमुत्तर मार्यस्य। मतलब अगर ऐसा है, ठीक है, मलय केतु की बात हो गई, सारे अधिकारियों की बात हो गई,
लेकिन आपसे मैं फिर यह जानना चाहूंगा कि यदि यही था तो इस जगह रहते हुए राक्षस की उपेक्षा क्यों कर दी गई। मित्र, ये अभी तक जो है हम देखते हैं कि प्रश्नोत्तर है, और ये प्रश्नोत्तर का मूल कृतक कलह है, और कृतक कलह का मूल राक्षस और मलय केतु को अपने ग्रिप में करना है, या यूं कहें कि राक्षस और मलय केतु के मध्य एक भेद उत्पन्न करके राक्षस को अपने यहां आत्मसमर्पण करवाना है। तो ये कुछ आज तक की, आज जो एक सार रूप में हमारे सामने निकल कर आया है इस परिचर्चा का, हमने जो सार रूप में इसको जाने तो दो मूल बातें हमने देखी कि यदि कोई अधिकारी कोई गलत कार्य में प्रवृत्त है तो उनको कैसे सन्मार्ग पर लाया जाए, तो उनके लिए दो व्यवस्था हो सकती है, एक उनके ऊपर कृपा और एक दंड। या इसी प्रकार यदि ऐसे किसी व्यक्ति को अगर हम पकड़ते हैं या दंड देते हैं तो उनसे क्या क्या स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, विशाखदत्त ने अपने उस मलय केतु के उत्तर में या भद्रभट भागुरायन आदि के उत्तर में उनको बड़े ही सहजता से उस राजनीतिक व्यवस्था को समाहित करने का प्रयास किया है। मित्रों, इस पर प्रश्नोत्तर की परिचर्चा प्रारंभ हो सकती है, प्रश्नोत्तर की परिचर्चा हम करेंगे, इससे उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न हैं आपके भी प्रश्न को लिया जाएगा और हम यहाँ स्टूडियो में भी बैठ के इस विषय पर चर्चा करेंगे और प्रयास करते हैं कि इनसे जो उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्न हैं उनको हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे पहले डॉक्टर पंकज मिश्र का, जिनके माध्यम से हमने आज एक बार फिर विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी इस विषय पर। मित्रों, हम जानते हैं कि आपके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी, प्रश्न उठ रहे होंगे, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रश्नों के हल आपको दिए जाएँ, निसंकोच हमें कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आपकी कॉल्स की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं और इसी बीच हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को हम साझा कर सकें डॉक्टर पंकज मिश्र के साथ और इनसे उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकें। डॉक्टर मिश्र, हम अपने पिछले कुछ व्याख्यानों में मुद्रा राक्षसम इस पूरे नाटक पर चर्चा कर चुके हैं और हमने विस्तृत रूप से सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी छात्र छात्राएं हमें देखते हैं चाहे लाइव सेशंस के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, उनके मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे पात्र हैं, तो इन सभी पात्रों को किस तरीके से इस एक्ट में यानी कि इस पूरी श्रृंखला में पिरोया गया और हर पात्र की क्या महत्वता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संस्कृत साहित्य के दो ऐसे नाटक हैं, एक मृच्छकटिकम और दूसरा मुद्रा राक्षसम, जिनमें चरित्रों को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं सविशेष प्रसंग में मुद्रा राक्षसम के चरित्रों की चर्चा करूँ तो जैसे भी मैंने परिचर्चा के क्रम में एक बात जरूर रखी थी कि चार जो हैं इनके प्रमुख पात्र हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, मलय केतु और राक्षस। इसके अतिरिक्त जितने भी चरित्र हैं, सविशेष वो चरित्र किसी ना किसी गुप्तचर वाली भूमिका में है। एक तो राक्षस के पक्ष के कुछ गुप्तचर हैं और कुछ चाणक्य के पक्ष के गुप्तचर हैं, और ये जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं कि एक दूसरे के इंटेलिजेंस को तोड़ने में, फेल करने में, अपने इंटेलिजेंस को सक्सेसफुल बनाने में, यही नीति पूरे नाटक की चलती है। लेकिन इसके पीछे एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य यह है कि राक्षस, हम जिसको कह सकते हैं कि एक मुहावरे का प्रयोग करें कि वो लार्जर देन लाइफ है, एक ऐसा महान और विशाल चरित्र है जिसको चंद्रगुप्त के राज्य में महामात्य बनाने की सोच किसकी है? चाणक्य की। जो इक्वली चाणक्य जो है अत्यंत विशाल व्यक्तित्व है, भारतीय इतिहास की जब जब व्याख्या होगी चाणक्य की उपेक्षा नहीं होगी। उस चाणक्य की समग्र नीति उस व्यक्ति को महामात्य बनाने में है जो शत्रु पक्ष का है, और वो है राक्षस। इसलिए राक्षस जो चरित्र है उसको हम अबूझ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति छोटी सी उत्तर रामचरितम में भवभूति ने कही है, वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। यद्यपि ये पूरा का पूरा संदर्भ हम चाणक्य को समझाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन राक्षस के लिए अगर हम ये कहें कि ये पुष्प से भी कोमल व्यक्तित्व है, हर सरल और सहज व्यक्ति पर विश्वास करने वाला है, दूसरे के दुख में रोने वाला है, दूसरे के सुख में प्रसन्न होने वाला है और सबकी चिंता करने वाला है, लेकिन लक्ष्य उनका भी वही है, मगध साम्राज्य की स्थापना। उस मगध साम्राज्य की स्थापना जिसके राजा कभी नंद हुआ करते थे। मलय केतु राक्षस को सहायता देता है, चंद्रगुप्त राजा है, राजा होते हुए भी चंद्रगुप्त नायक नहीं है क्योंकि वो गाइडेड बाय चाणक्य है।
रेस्ट जो छोटे छोटे चरित्र हैं वो यथा समय यथा अंक अपने उस इंटेलिजेंस, अपने जो गुप्तचरी जो निपुणता है, स्किल है, उनको हम देखते हैं, चाहे वो सिद्धार्थक हों, चाहे वो इस पक्ष के कई सारे प्रमोदक हैं, अभय दत्त है, दारू वर्मा है, वरवरक है, ऐसे कई सारे चरित्रों की हमने चर्चा की है। लेकिन अल्टीमेटली हम चरित्र को दो भागों में बांटते हैं, प्रधान चरित्र और गौण चरित्र। गौण चरित्र ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रधान चरित्र को। गौण चरित्र कोई भी अपने चरित्र को बनाने में नहीं है, सारे डेडिकेटेड है अपने अपने लीडर के लिए। एक चाणक्य में है समर्पित एक पक्ष, दूसरा पक्ष राक्षस में समर्पित है। राजनीति पर आधारित नाटक है, अपेक्षा रहती है कि भयंकर लड़ाई होगी, महाभारत युद्ध होगा, राम रावण युद्ध जैसी एक समासा बंध जाता है इसमें। लेकिन फिर भी रक्त की एक बूंद भी टपकती नहीं दिखाई देती। तलवार की झंझनाहट के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन तलवार तक की झंझनाहट हमें सुनाई नहीं देती। एक ऐसा वीर और राजनीति प्रधान नाटक है, और उसमें केवल जो मूल निकल कर आते हैं यही सारे चरित्र निकल कर आते हैं। तो आपने जो पूछा है चरित्र को, हम इस चरित्र को इसी रूप में समझते हैं कि राजनीति प्रौढ़ राजनीति के प्रवर्तन में लीन रहने वाले ये सारे चरित्र हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर हम इस पूरे नाटक की चर्चा करें, पूरे नाटक का सारांश निकालें, तो यहाँ केवल बुद्धिमता का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आपने कहा एक भी रक्त की बूंद नहीं गिरी, पूरी केवल बुद्धि है। मैंने एक उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण पिछली चर्चा में हमारे मित्र लोग जानते होंगे परिचर्चा के क्रम में, कि ऐसे सूक्ष्म बुद्धि है, जैसे ही राक्षस को पता चलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के संबंध अच्छे नहीं चल रहे, इमीडिएटली अपने गुप्तचर प्लांट कर देता है दोनों में भेद करवाने के लिए, और उसका परिणाम होता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त को लोगों को दिखाने के लिए, राक्षस को समझाने के लिए एक बनावटी लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि चाणक्य समझ जाता है कि राक्षस का गुप्तचर हमारे में भेद करने के लिए आया है। दूसरी ओर राक्षस की जो चाणक्य की बुद्धिमत्ता है, चींटी चावल का दाना लेकर के राजभवन में निकल रही है। अब बताइए, हम लोग भी अपने घर द्वार में देखते हैं और उसकी उपेक्षा कर देते हैं, अच्छा कहीं से उन्होंने चावल का दाना ले लिया होगा। लेकिन चावल के दाने को चींटियों के मुंह में देखने के बाद जो मन में उत्पन्न होता है चाणक्य का, उनको लगता है कि यहां तो मैंने सफाई करवाई नहीं, यहां तो मेरी पूरी सफाई होती है, फिर भी इस जगह से चावल के दाने आ रहे हैं, हो ना हो कोई व्यक्ति वहां रह रहा होगा, पूरी तरह से आग लगवा देते हैं। और वास्तव में जहां से ये चींटियां आ रही है वहां पर राक्षस के गुप्तचर छिपे हुए हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के ताक में है। तो ये बुद्धि है, देखिए चींटी के चावल को देख करके ये अनुमान कर लिया जाना कि शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए ये बौद्धिक संघर्ष ज्यादा है, बुद्धि की लड़ाई ज्यादा है, नीतियों की लड़ाई ज्यादा है, तलवार घोड़े हाथी की लड़ाई इसमें नहीं है। डॉक्टर पंकज मिश्र, हमने पूरा जो व्याख्यान जितने भी सुने हैं, हमने देखा है कहीं ना कहीं कोई भी फीमेल कैरेक्टर इस प्ले में नहीं है, तो इसको हम क्या समझें? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है, और चूंकि हमारे छात्र इसे पढ़ते हैं और बार बार परीक्षा में भी ये पूछा जाता है, इसलिए ये विमर्श का विषय जरूर है। गीतिका जी, देखें क्या होता है कि हमारे साहित्य लेखन की एक परंपरा होती है, मैं दो ढंग से इसको समझता हूँ, एक तो मुद्रा राक्षसम के संदर्भ में जानेंगे, और दूसरा हम जो समग्र जो एक शैली होती है साहित्य की, उनमें आप जब भी देखेंगे, नाटक ही नहीं, जो महाकाव्य भी लिखे गए हैं जो वीर रस प्रधान हैं, उनमें स्त्री की उपेक्षा है। जैसे उदाहरण के लिए हम दो महाकाव्य की चर्चा करते हैं, एक है किरातार्जुनीयम, एक है शिशुपाल वधम, दोनों महाभारत पर आधारित है, दोनों वीर रस है, दोनों में युद्ध है। भाई कौन नहीं अपेक्षा करेगा महाभारत की लड़ाई हो और द्रौपदी ना हो, महाभारत की लड़ाई हो कुंती ना हो, गांधारी ना हो, उत्तरा ना हो, ये सारे भी वैसे चरित्र हैं महाभारत के जिन्होंने भूमिका निभाई है महाभारत में, और वे दोनों चरित्र नहीं है ऐसे महाकाव्यों में। तो शैली की दृष्टि से हम लेते हैं कि एक सामान्यतया मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे कवियों की यह दृष्टि रही है कि वीर और राजनीति में स्त्री कहीं ना कहीं एक कमजोरी होते हैं, और यही कारण है कि राक्षस की पत्नी का संकेत है, और राक्षस ये स्वीकार करता है कि अगर मैं अपने परिवार के साथ रहता तो मैं अपनी नीति का विनियोग नहीं कर पाता, इसलिए अपने पास से वो अपनी पत्नी को किसी और जगह छिपा देती है। तो संकेत देने का यह प्रयास किया गया है कि राजनीति में जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी है। उस काल के संदर्भ में भले ही इसके पक्ष में बातें की जाए, लेकिन आधुनिक संदर्भ में यह सोच उचित नहीं है।
और हमें दोनों पक्ष से इसका विवेचन करना चाहिए। और खास करके विशाखदत्त की दृष्टि पुनः पुनः पूरे काव्य में आई है कि स्त्रियों के प्रति उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, वो बार बार स्त्री को इंगित करते हैं। तो अस्तु, लेकिन जो मूल, जो आप जब आप वस्तुनिष्ठात्मक उत्तर लेना चाहें, ऑब्जेक्टिव आंसर लेना चाहें, तो इसका सामान्य अर्थ यही है कि यस, राजनीति और वीर रस में संस्कृत साहित्य में स्त्रियों को स्थान देने का प्रयास कम है, विशाखदत्त ने उसी परंपरा का पालन किया है। जी, एक अहम प्रश्न यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ, और इस नाटक को मैं आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं किस प्रकार जोड़ूँ? जैसे मैं, हम देख सकते हैं कि हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारी फिर पॉलिटिक्स क्यों ना हो, या फिर वो लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्या इस नाटक की प्रासंगिकता आधुनिक समाज से है? जी, अवश्य है। और हम केवल इसको उस काल को समझने मात्र के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि साहित्य क्या होता है, साहित्य विचारों को लेकर आता है हमारे सामने। साहित्य कई सारी ऐसी चीजें जो जिसको डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं। अभी जब मैं प्रवचन दे, अपना व्याख्यान दे रहा था, उस व्याख्यान में मैंने बार बार प्रयोजन शब्द की व्याख्या की है। देखिए, आज के संदर्भ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक संदर्भ तो ऑब्वियसली जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का ये अर्थ नहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाला। मैनेजमेंट का मतलब यहां पर यह है कि हम अपने जीवन शैली, कार्य शैली को कैसे बना करके रखें, यह भी मैनेजमेंट है। और दूसरी क्या है कि किस जगह पे किस प्रकार की सोच को हम लाएं। आपने अभी देखा चाणक्य के माध्यम से, देखिए अगर मुद्रा राक्षसम के पूरे समग्रता को देखें तो स्वाभाविक रूप से राजतंत्र है। राजतंत्र आज है नहीं, आज हमारे यहां लोकतंत्र है, प्रजातंत्र जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी छूटते ही कहेगा कि नहीं नहीं, इसका कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है। नहीं, देखिए, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, दोनों का जो परम व चरम उद्देश्य है वो यही है, प्रजापालन। हम जिसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट वाली जो बार बार अवधारणा है, प्रजापालन है, बार बार प्रजापालन है। राजा भी प्रजा के लिए है। क्लियर पंक्ति है चाणक्य की पंक्ति अर्थशास्त्र में कि राजा का अपना कुछ होता ही नहीं, राजा का अपना सुख ही नहीं है, प्रजा का हित, प्रजा का सुख ही राजा का हित और राजा का सुख है। कालिदास कहते हैं प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, जो राजा है वो प्रजा कल्याण के लिए कहे। और ये तो लोकतंत्र ही है जहां पर कि लोक के द्वारा, लोक के लिए लोक अपना शासन की नियुक्त, अपने उसके प्रशासन बनाता है। तो यहां पर अब आई बात क्या कि उस प्रजा की सोच को अब छोटा सा देखें। एक योग्य मंत्री का चयन इस काव्य का मूल उद्देश्य है, और वो योग्य मंत्री कौन है? राक्षस। हम क्यों ना उसको ये लें कि एक राष्ट्र के परम कल्याण के लिए जो व्यवस्था देखने वाले हमारे मंत्रीगण होते हैं वे योग्य हों। चाणक्य की समग्र नीति ही राक्षस की स्थापना करना है। चाणक्य की और कोई नीति है ही नहीं, नीति ही यही है कि एक योग्य महामात्य को हम मगध को दे जो कि मगध की सत्ता को निष्कंटक बनाए रखे, किसी भी प्रकार सुदृढ़ता प्रदान करे, दृढ़ता प्रदान करे। चाणक्य स्वयं तो योग्य है, उनकी जरूरत ही नहीं थी किसी को, लेकिन जब दो योग्यतम मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना हो सकती है। तो आधुनिक संदर्भ में भी कोई भी शासन हो, कोई भी प्रशासन हो, जो अधिकारी होते हैं उनकी योग्यता का सर्वथा ध्यान रखा जाना चाहिए, यह भी एक संदेश है। दूसरी बात, हम जो कार्य करते हैं, हम कार्य क्या करते हैं? उपेक्षा दृष्टि से करते हैं। अच्छा, यह काम है, हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमें चाणक्य और राक्षस क्या सिखाता है? नहीं, सूक्ष्मता से हर कार्य को देखना है। किसी भी कार्य में तनिक मात्र भी दोष नहीं रहना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हम साहित्य से और इन चरित्रों के माध्यम से सीखते हैं, और जो ये चरित्र को हम सीखते हैं उसी से हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और चूंकि इस समाज में हमारा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व उभरता है, बनता है, तो यही तो प्रासंगिकता है साहित्य की। तो इस रूप में मुद्रा राक्षसम ऑलवेज प्रासंगिक होगा। हम भले ही कहें कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक समय में अप्रासंगिक हो जाए, जो कि गलत कथन होगा, लेकिन मुद्रा राक्षसम की प्रासंगिकता को कभी भी चुनौती नहीं मिल सकती। जी जी, अब हमारे पास कुछ ही समय बचा है इस व्याख्यान को पूर्ण करने के लिए, लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय पर कितने प्रश्न स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में आते हैं और कितना महत्वपूर्ण है। नहीं, ये दोनों दृष्टि से है। मैं पहले तो यूपीएससी के छात्रों की भी बात कर लूँ, उनके भी सिलेबस में ये है, और जितने भी भारत के विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में मुद्रा राक्षसम की बखूबी और अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। और मैं समझता हूँ कि दो तीन प्रश्न जरूर हैं, जिसमें कि एक है मुद्रा राक्षसम का नामकरण,
दूसरा है कृतक कलह और तृतीय अंक का महत्व, तीसरा हम लेते हैं चंद्रगुप्त और राक्षस के मध्य जो एक तुलना है, तुलना दो रूप में, एक चरित्रगत तुलना और दूसरी नीतिगत तुलना। इस तरह से फिर हम कहते हैं कि विशाखदत्त की जो शैली है काव्य की, अभी भी मैंने एक संकेत दिया था कि विशाखदत्त स्वयं राजघराने से है, तो ये कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जिन प्रश्नों को छात्रों को विशेष, एक आपने पूछा नारी को लेकर के, तो एक प्रश्न पूछा जाता है मुद्रा राक्षसम की विशेषता, जिसमें हम कहते हैं कि मुद्रा राक्षसम में नारी नहीं है, एक और मुद्रा राक्षसम में हास्य रस नहीं है, इसलिए विदूषक नहीं है मुद्रा राक्षसम में, जो कि एक प्रकार से जो संस्कृत नाटक की जो संरचना है उसमें विदूषक को फिट करना होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मोटा मोटी प्रश्न हैं, जिसको हम बाह्य प्रश्न कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रश्नों की संख्या अपार है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या अपार है, पूछ लिया जाता है कि क्षपनक जीव सिद्धि कौन है, तो इसलिए प्रश्न जो है छात्र ध्यान से, चूंकि तीन ही अंक उनके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, और इससे अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं। जी, एक बार हम फिर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके माध्यम से हमने आज चर्चा भी की, हमने प्रश्न भी पूछे आपसे, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं आप सभी के लिए आज का ये व्याख्यान ज्ञानवर्धक रहा होगा। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आपके मन में प्रश्न है, अगर आप हमसे प्रश्न लाइव नहीं पूछ पाए हैं, तो आप हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं info.cec@nic.in पर। हम कोशिश करेंगे जब अगली बार डॉक्टर पंकज हमारे स्टूडियो में मौजूद होंगे तो हम आपके प्रश्न सीसी के इस लाइव व्याख्यान के माध्यम से जरूर देंगे। तो सीसी गुरुकुल की ओर से आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू गीतिका जी, थैंक यू।